होटल में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक अनाथ बच्ची को तीन युवकों ने अपनी हवस का शिकार बनाया और किसी से कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में जानकारी देते हुए होटल थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि होटल की एक अनाथ बच्ची ने शिकायत में बताया कि एक महिला आशा वर्कर का उसके घर पर आना जाना था और उसने 3 जनवरी को नाबालिग को अरुण नाम के एक युवक से मिलाया था, जिसने नाबालिग के घर में घुसकर रात के समय उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में जब नाबालिग गर्भवती हुई तो आशा वर्कर ने नाबालिग का अपने घर पर ही गर्भपात करा दिया। इतना कुछ हो जाने के बाद भी महिला अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और आए दिन अन्य युवकों को भी नाबालिग के घर भेजती रही, जिससे नाबालिग के साथ आए दिन जबरदस्ती और दुष्कर्म होता रहा। साथ ही नाबालिग ने बताया कि महिला वर्कर ने नाबालिग का फोन नंबर भी कुछ लड़कों को दिया हुआ था, जो हर रोज उसको परेशान करते रहते थे, जिसके बाद तंग आकर नाबालिग ने मामले से परिजनों को अवगत करवाया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कल दिनांक 3/5 को मीनाक्षी नाम की लड़की डॉटर ऑफ श्री राम निवासी होटल की थाने में आगे एक दरखास्त पेश की थी कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी, माता जी की मृत्यु हो चुकी, मेरा भाई है वो काम धंधा करता है, पानी का सप्लायर है, मेरे साथ जो है ना 2021 से एक सुमनलता आशा वर्कर है, उसने पवन नाम के लड़के को मिलाया और रात को मेरे घर में जबरदस्ती हो गई, मेरे साथ जबरदस्ती की। उसके बाद सुरेश है, उसने भी यही जबरदस्ती की। अरुण है, उसने भी तो गैंग रेप इसके साथ किया है। उसके बाद इसके पेट में गर्भवती हो गई थी, गर्भवती होने के बाद सुमनलता ने अपने घर में इसको गर्भपात करवाया गया और हॉस्पिटल से दवाई दवाई गई, तो इन्होंने अब आके कंप्लेंट दी, इस पर मुकदमा दर्ज किया गया और इसकी डॉक्टरी वगैरह की जा रही है। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके पेश अदालत किया जाएगा। तो सर कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? ये 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, एक लेडीज है, 3 जेंट्स। आशा वर्कर है जी सर, तो उसने गर्भपात भी कराया? गर्भपात कराना बयान हुआ है। तो सर अभी आरोपी फरार है? अभी आरोपी फरार है, लड़की का मेडिकल वगैरह चल रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही आशा वर्कर पर भी मामला दर्ज किया गया है। होटल से हरिओम भारद्वाज, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।